स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस की पवित्र ग्रंथ वचनामृत का 29वां वीडियो है। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं परिच्छेद 73, ईश्वर दर्शन के उपाय, भाग एक, श्री रामकृष्ण तथा तांत्रिक भक्त। आज पौष शुक्ला चतुर्थी है, 2 जनवरी 1884। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में निवास कर रहे हैं। आजकल रखाल, लाटू, हरीश, रामलाल मास्टर दक्षिणेश्वर में निवास कर रहे हैं। दिन के 3 बजे का समय होगा। श्री राम कृष्ण का दर्शन करने के लिए मणि बेलतला से उनके कमरे की ओर आ रहे हैं। वे एक तांत्रिक भक्त के साथ पश्चिम के बरामदे में बैठे हैं। मणि ने आकर भूमि पर माथा टेक कर प्रणाम किया। श्री राम कृष्ण ने उन्हें अपने पास बैठने के लिए कहा। संभव है तांत्रिक भक्त के साथ वार्तालाप करते करते उन्हें भी उपदेश देंगे। श्री महिम चक्रवर्ती ने तांत्रिक भक्त को श्री राम कृष्ण का दर्शन करने के लिए भेजा है। भक्त गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं। श्री राम कृष्ण तांत्रिक भक्त के प्रति, ये सब तांत्रिक साधना के अंग हैं। कपाल, पात्र में सुधा का पान करना, उस सुधा को कारणवारी कहते हैं, है ना तांत्रिक? जी हाँ। श्री राम कृष्ण 11 पात्र ने तांत्रिक 3 तोला भर सब साधना के लिए। श्री राम कृष्ण, पर मैं तो सुरा छू तक नहीं सकता। तांत्रिक, आपका सहजानंद है, यह आनंद होने पर और फिर क्या चाहिए? श्री राम कृष्ण, फिर देखो मुझे जब तप भी अच्छे नहीं लगते, सदा स्मरण मनन रहता है, अच्छा षट चक्कर क्या चीज है? तांत्रिक, जी वह सब अनेक तीर्थों की तरह है, प्रत्येक चक्कर में शिव शक्ति विराजमान है, वे आँखों से देखे नहीं जाते, शरीर काटने पर भी नहीं मिलते। मणि चुपचाप सुन रहे हैं। उनकी ओर देखकर श्री राम कृष्ण तांत्रिक भक्त से पूछ रहे हैं। श्री राम कृष्ण तांत्रिक के प्रति, अच्छा बीज मंत्र पाए बिना क्या कुछ सिद्ध होता है? तांत्रिक, होता है, विश्वास द्वारा, गुरुवाक्य पर विश्वास। श्री राम कृष्ण मणि की ओर इशारा करके, विश्वास। तांत्रिक भक्त के चले जाने पर ब्रह्म समझ के श्री जय गोपाल सेन आए। श्री राम कृष्ण उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। राखाल, मणि आदि भक्त पास बैठे हैं। 3 पहर का समय है। श्री राम कृष्ण जय गोपाल के प्रति, किसी से किसी मत से भी द्वेष नहीं करना चाहिए। निराकारवादी, साकारवादी सभी
उन्हीं की ओर जा रहे हैं। ज्ञानी, योगी, भक्त सभी उन्हें खोज रहे हैं। ज्ञान मार्ग के लोग कहते हैं ब्रह्म, योगी गण कहते हैं आत्मा, परमात्मा, भक्त गण कहते हैं भगवान। फिर यह भी है नित्य देव, नित्य दास। जय गोपाल, कैसे जानूं कि सभी पथ सत्य हैं? श्री राम कृष्ण किसी एक पथ से ठीक ठीक जा सकने पर उनके पास पहुंचा जा सकता है। उसमें सभी पथों का पता भी जाना जा सकता है। जैसे एक बार किसी तरह यदि छत पर उठना संभव हो सके तो लकड़ी की सीढ़ी से भी उतरा जा सकता है, पक्की सीढ़ी से भी, एक बांस के सहारे भी और एक रस्सी के द्वारा भी। उनकी कृपा होने पर भक्त सब कुछ जान सकता है। उन्हें एक बार प्राप्त करने पर सब कुछ जान सकोगे। एक बार किसी भी तरह बड़े बाबू के साथ साक्षात्कार करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। तब बापू स्वयं ही बता देंगे कि उनके कितने बगीचे, तालाब या कंपनी के कागज हैं। ईश्वर दर्शन के उपाय। जय गोपाल, उनकी कृपा कैसे होती है? श्री राम कृष्ण सदा उनके नाम व गुणों का कीर्तन करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सांसारिक चिंतन का त्याग करना चाहिए। तुम खेती करने के लिए अनेक कष्ट से खेत में जल ला रहे हो, परंतु खेत की मेड़ पर के एक छेद में से सब जल बाहर निकल जा रहा है। तब तो नाली काट कर जल लाना व्यर्थ हुआ, व्यर्था श्रम ही हुआ। चित्त शुद्धि होने पर, विषय भोग की आसक्ति दूर हो जाने पर व्याकुलता आएगी, तुम्हारी प्रार्थना ईश्वर के पास पहुंचेगी। टेलीग्राफ का तार टूटा रहने पर अथवा उसमें अन्य कोई दोष रहने पर तार का समाचार नहीं पहुंचेगा। मैं व्याकुल होकर एकांत में रोता था, कहाँ हो नारायण कहकर रोता था। रोते रोते बाह्य ज्ञान लुप्त हो जाता था, मैं महावायु में लीन हो जाता था। योग कैसे होता है? टेलीग्राफ का तार टूटा न रहने पर या उसमें कोई दोष न रहने पर होता है। विषयों के प्रति आसक्ति का एकदम त्याग। किसी प्रकार की काम वासना नहीं रखनी चाहिए। काम वासना रहने पर उसे सकाम भक्ति कहते हैं, निष्काम भक्ति को अहेतुकी भक्ति कहते हैं। तुम प्यार करो या न करो, फिर भी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसी का नाम है अहेतुक प्रेम। बात यह है, उनसे प्रेम करना, प्रेम गहरा होने पर दर्शन होता है। पति पर सती का आकर्षण, संतान पर माँ का आकर्षण और विषय प्रिय व्यक्ति का सांसारिक विषयों के प्रति आकर्षण, ये तीन आकर्षण यदि एक ही साथ हो तो ईश्वर का दर्शन होता है। जय गोपाल विषय प्रिय व्यक्ति है, क्या इसीलिए श्री राम कृष्ण उन्हीं के योग्य ये सब उपदेश दे रहे हैं? ज्ञान पथ और विचार पथ, भक्ति योग और ब्रह्म ज्ञान। श्री राम कृष्ण अपने कमरे में बैठे हुए हैं, रात के 8 बजे होंगे। आज पूष की शुक्ला पंचमी है, बुधवार 2 जनवरी 1884। कमरे में राखाल और मणि है। श्री राम कृष्ण के साथ रहने का, मणि का आज
31वां दिन है। श्री राम कृष्ण ने मणि को तर्क विचार करने से मना किया है। श्री राम कृष्ण राखाल से ज्यादा तर्क विचार करना अच्छा नहीं। पहले ईश्वर है, फिर संसार। उन्हें पा लेने पर उनके संसार के संबंध में भी ज्ञान हो जाता है। मणि और राखाल से यदु मल्लिक से बातचीत करने पर उसके कितने मकान हैं, कितने बगीचे हैं, कंपनी के कागजात कितने हैं, यह सब समझ में आ जाता है। इसीलिए तो ऋषियों ने वाल्मीकि को मरा मरा जपने के लिए उपदेश दिया था। इसका एक विशेष अर्थ है। मे का अर्थ है ईश्वर और रा का अर्थ संसार। पहले ईश्वर, फिर संसार। कृष्ण किशोर ने कहा था, मरा मरा शुद्ध मंत्र है, क्योंकि वह ऋषि का दिया हुआ है। मैं अर्थात ईश्वर और रा अर्थात संसार। इसीलिए वाल्मीकि की तरह पहले सब कुछ छोड़कर निर्जन में व्याकुल हो रो रो कर ईश्वर को पुकारना चाहिए। पहले आवश्यक है ईश्वर दर्शन, उसके बाद है तर्क विचार शास्त्र और संसार के संबंध में मणि के प्रति। इसीलिए तुमसे कहता हूँ, अब और अधिक तर्क विचार न करना। यही बात कहने के लिए मैं जहाव तल्ले से उठकर आया हूँ। ज्यादा तर्क विचार करने पर अंत में हानि होती है। अंत में हाजरे की तरह हो जाओगे। मैं रात में अकेला रास्ते पर रो रो कर टहलता और कहता था, माँ मेरी विचार बुद्धि पर वज्र प्रहार कर दो। कहो अब तो तर्क विचार न करोगे? मणि जी नहीं, श्री राम कृष्ण। भक्ति से ही सब कुछ प्राप्त होता है। जो लोग ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं, यदि वे भक्ति मार्ग पकड़े रहें तो उन्हें ब्रह्म ज्ञान भी हो जाता है। उनकी दया रहने पर क्या कभी ज्ञान का अभाव भी होता है? उस देश में कामार पुकुर में धान नापते हैं। जब राशि चुक जाती है तब एक आदमी और धान फेल देता है। इस तरह राशि फिर तैयार हो जाती है। माही ज्ञान की राशि पूरा करती जाती है। उन्हें प्राप्त कर लेने पर पंडित गण सब घास पात की तरह जान पड़ते हैं। पद्मलोचन ने कहा था, तुम्हारे साथ अछूतों के घर की सब हमें भी जाऊंगा, इसमें भला हर्ज ही क्या है। तुम्हारे साथ चमार के यहाँ भी जाकर मैं भोजन कर सकता हूँ। भक्ति के द्वारा सब मिलते हैं। उन्हें प्यार कर सकने पर फिर किसी चीज का अभाव नहीं रह जाता। माता भगवती के पास कार्तिकेय और गणेश बैठे हुए थे। उनके गले में मणियों की माला पड़ी थी। माता ने कहा, जो पहले इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आ जाएगा उसी को मैं यह माला दे दूंगी। कार्तिक उसी समय फौरन ही मयूर पर चढ़कर चल दिए। गणेश ने धीरे धीरे माता की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। गणेश जानते थे माता के भीतर ही ब्रह्मांड है। माँ ने प्रसन्न होकर गणेश को हार पहना दिया। बड़ी देर बाद कार्तिक ने आकर देखा कि उनके दादा हार पहने हुए बैठे थे। मैंने माँ से रो रो कर कहा था, माँ वेद वेदांत में क्या है मुझे बता दो, पुराण तंत्रों में क्या है
मुझे बता दो। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है, कितनी बातें दिखाई हैं। सच्चिदानंद गुरु को रोज प्रातःकाल पुकारते हो ने? मणि जी हाँ, श्री राम कृष्ण गुरु कर्णधार हैं। फिर देखा मैं एक अलग हूँ, तुम एक अलग। फिर कूदा और मछली बन गया। देखा कि सच्चिदानंद समुद्र में आनंद पूर्वक विचर रहा हूँ। ये सब बड़ी ही गुह्य कथाएं हैं, तर्क विचार करके क्या समझोगे? वे जब दिखा देते हैं तब सब प्राप्त होता है, किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता। शुक्रवार 4 जनवरी 1884 दिन के 4 बजे के समय श्री राम कृष्ण पंचवटी में बैठे हैं, मुख पर हंसी है और साथ हैं मणि हरिपद आदि। हरिपद के साथ स्वर्गीय आनंद चटर्जी के बारे में बातें हो रही हैं और घोषपाड़ा के साधन भजन की बातें। धीरे धीरे श्री राम कृष्ण अपने कमरे में आकर बैठे हैं। मणि हरिपद राखाल आदि भक्तगण भी उनके साथ रहते हैं। मणि अधिक समय बेलतल्ला में रहते हैं। साधना काल में श्री राम कृष्ण के दर्शन। श्री राम कृष्ण एक दिन दिखाया चारों ओर शिव और शक्ति। शिव और शक्ति का रमण मनुष्यों, जीव जंतुओं, वृक्षों और लताओं सभी में वही शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति सर्वत्र इन्हीं का रमण। दूसरे दिन दिखाया कि नरमुंडों की राशि लगी हुई है, पर्वताकार और कहीं कुछ नहीं। उनके बीच में मैं अकेला बैठा हुआ हूँ। और एक बार दिखाया महासमुद्र में नमक का पुतला होकर उसकी था लेने जा रहा हूँ। था लेते इसमें श्री गुरु कृपा से पत्थर बन गया। देखा एक जहाज आ रहा है, बस उमड़ पड़ा। श्री गुरुदेव कर्णधार थे श्री राम कृष्ण मणि के प्रति। और अधिक विचार न करो, उससे अंत में हानि होती है। उन्हें बुलाते इसमें किसी एक भाव का सहारा लेना पड़ता है। सखी भाव, दासी भाव, संतान भाव या वीर भाव। मेरा संतान भाव है। इस भाव को देखने पर माया देवी रास्ता छोड़ देती हैं शर्म से। वीर भाव बहुत कठिन है, शाक्त तथा वैष्णव भावलों का है। उस भाव में स्थिर रहना बहुत कठिन है। फिर हैं शांत, दास्य, सख्य और वात्सल्य तथा मधुर भाव। मधुर भाव में शांत, दास्य, सख्य और वात्सल्य सब हैं। मणि के प्रति तुम्हें कौन भाव अच्छा लगता है? मणि, सभी भाव अच्छे लगते हैं। श्री राम कृष्ण, सब भाव सिद्ध स्थिति में अच्छे लगते हैं। उस स्थिति में काम की गंतक नहीं रहेगी। वैष्णव शास्त्र में चंडीदास तथा धोबन की कथा है, उनके प्रेम में काम की गंध तक नहीं थी। इस स्थिति में प्रकृति भाव होता है, अपने को पुरुष मानने की बुद्धि नहीं रहती। मीराबाई के स्त्री होने के कारण रूप गोस्वामी जी उनसे मिलना नहीं चाहते थे। मीराबाई ने कहला भेजा, श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है। वृंदावन में सभी लोग उस पुरुष की दासियां हैं। क्या गोस्वामी जी को पुरुषत्व का अभिमान करना उचित था?
सायंकाल के बाद मणि फिर श्री राम कृष्ण के चरणों के पास बैठे हैं। समाचार आया है कि श्री केशव सेन की अस्वस्थता बढ़ गई है। उन्हीं के संबंध में वार्तालाप के सिलसिले में ब्रह्म समाज की बातें हो रही हैं। श्री राम कृष्ण मणि के प्रति, जी हाँ, उनके यहाँ केवल व्याख्यान ही होते हैं या ध्यान भी। वे अपनी प्रार्थना को शायद कहते हैं उपासना। केशव ने पहले ईसाई धर्म, ईसाई मत का बहुत चिंतन किया था उस समय, तथा उससे पूर्व वे देवेंद्र ठाकुर के यहाँ थे। मणि, केशव बाबू यदि पहले पहल यहाँ आए होते तो समाज संस्कार पर माथापच्ची न करते। जाति भेद को उठा देना, विधवा विवाह, ऐश्वर्य विवाह, ऐश्वर्य विवाह, स्त्री शिक्षा आदि सामाजिक काम में उतने व्यस्त न होते। श्री राम कृष्ण, केशव अब काली मानते हैं, चिन्मयी काली, आद्याशक्ति और मामा कहकर उनके नाम गुणों का कीर्तन करते हैं। अच्छा, क्या ब्राह्मण समाज बाद में सिर्फ सामाजिक संस्कार की ही एक संस्था बन जाएगा? मणि, इस देश की जमीन वैसी नहीं है, जो ठीक है वही यहाँ पर जड़ पा सकेगा। श्री राम कृष्ण, हाँ, सनातन धर्म ऋषि लोग जो कुछ कह गए हैं वही रह जाएगा, तथापि ब्राह्मण समाज और उसी प्रकार के संप्रदाय भी कुछ कुछ रहेंगे। सभी ईश्वर की इच्छा से हो रहे हैं, जा रहे हैं। दोपहर के बाद कलकत्ते से कुछ भक्त आए हैं। उन्होंने श्री राम कृष्ण को अनेक गीत सुनाए थे। उनमें से एक गीत का भावार्थ यह है, माँ तुमने हमारे मुंह में लाल चुसनी देकर भुला रखा है, हम जब चुसनी फेंक कर चिल्ला कर रोएंगे तब तुम हमारे पास अवश्य ही दौड़ कर आओगी। श्री राम कृष्ण मणि के प्रति, उन्होंने लाल चुसनी का नया ही गाना गाया। मणि जी, आपने केशव सेन से इस लाल चुसनी की बात कही थी? श्री राम कृष्ण, हाँ, और चिदाकाश की बात और भी कई बातें हुआ करती थी और बड़ा आनंद होता था, गाना नृत्य सब होता था। परिच्छेद 74, मणि के प्रति उपदेश, भाग एक, कामिनी कांचन त्याग। श्री राम कृष्ण दोपहर का भोजन कर चुके हैं। 1 बजे का समय होगा। शनिवार 5 जनवरी 1884 ईस्वी। मणि को श्री राम कृष्ण के साथ रहते हुए आज 23वां दिन है। मणि भोजन करके नौबत खाने में थे, वहीं से किसी को नाम लेकर पुकारते हुए सुना। बाहर आकर उन्होंने देखा कि घर के उत्तर वाले लंबे बरामदे से श्री राम कृष्ण स्वयं उन्हें पुकार रहे थे। मणि ने आकर उन्हें प्रणाम किया। दक्षिण के बरामदे में श्री राम कृष्ण मणि से वार्तालाप कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण, तुम लोग किस तरह ध्यान करते हो? मैं तो बेल के नीचे कितने ही रूप साफ साफ देखता था। एक दिन देखा सामने रुपए, दुशाला, एक थाल, संदेश और 2 औरतें। तब मैंने मन से पूछा, मन तो इनमें से कुछ चाहता है, फिर संदेशों को देखा बेस्टा है, औरतों में एक ब्लॉक पहने हुए थी,
उनका भीतर बाहर सब मुझे दिखाई पड़ता था। आते मलमूत्र हाड़ मांस खून मन ने कुछ ने चाहा। मन उन्हीं के पाद पद्मों से मन उन्हीं के पाद पद्मों में लगा रहा। निकती कांटे वाला तरबूज के नीचे भी कांटा होता है और ऊपर भी। मन नीचे वाला कांटा है। मुझे सदा ही भय लगा रहता था कि कहीं ऐसा न हो कि ऊपर वाले कांटे से ईश्वर से मन विमुख हो जाए। तिस पर एक आदमी सदा ही हाथ में त्रिशूल लिए मेरे पास बैठा रहता था। उसने डरा कहा, नीचे वाला कांटा ऊपर वाले कांटे से इधर उधर झुका नहीं कि यह त्रिशूल भोंक दूंगा। बात यह है कि कामिनी कांचन का त्याग हुए बिना कुछ होने का नहीं। मैंने तीन त्याग किए थे, जमीन जोरू और रुपया। भगवान रघुवीर के नाम की जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए मुझे उस देश में कामार पोकर में जाना पड़ा था। मुझसे दस्तक करने के लिए कहा गया। मैंने दस्तक नहीं किए। मुझे यह ख्याल था ही नहीं कि यह मेरी जमीन है। रजिस्ट्री ऑफिस वालों ने केशव सेन का गुरु समझकर मेरा खूब आदर किया था। आम ला दिए परंतु घर ले जाने का अख्तियार था ही नहीं, क्योंकि सन्यासी को संचय नहीं करना चाहिए। त्याग के बिना कोई कैसे उन्हें पा सकता है। अगर एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु रखी हो तो पहली वस्तु को बिना हटाए दूसरी वस्तु कैसे मिल सकती है। निष्काम होकर उन्हें पुकारना चाहिए, परंतु सकाम भजन करते करते भी निष्काम भजन होता है। धरु ने राजा के लिए तपस्या की थी, परंतु उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया था। उन्होंने कहा था, अगर कोई कांच के लिए आकर कंचन पा जाए तो उसे क्यों छोड़े। दयादान आदि और श्री राम कृष्ण श्री चैतन्य देव का दान। सतोगुण के पाने पर मनुष्य ईश्वर को पाता है। संसारी मनुष्यों के दान आदि कर्म प्राय काम ही होते हैं। यह अच्छा नहीं। निष्काम करना ही अच्छा है, परंतु निष्काम भाव से करना है बड़ा कठिन। ईश्वर से भेंट होने पर क्या उनसे यह प्रार्थना करोगे कि मैं कुछ तालाब खुदवाऊंगा या रास्ता घाट दवाखाना और अस्पताल बनवाऊंगा। क्या उनसे कहोगे, हे ईश्वर मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं यही सब करूं। उनका दर्शन होने पर ये सब वासनाएं एक ओर पड़ी रहती हैं। परंतु इसलिए क्या दया और दान के कर्म ही न करना चाहिए। नहीं, यह बात नहीं। आँखों के आगे दुख और विपत्ति देखकर धन के रहते सहायता आवश्यक करनी चाहिए। ऐसे समय ज्ञानी कहता है, दे इसे कुछ दे, परंतु भीतर ही भीतर मैं क्या कर सकता हूँ। कर्ता ईश्वर ही है, अन्य सब अकर्ता हैं, ऐसा बोध उसे होता रहता है। महापुरुषगण जीवों के दुख से दुखी होकर उन्हें ईश्वर का मार्ग बतला जाते हैं। शंकराचार्य ने जीवों की शिक्षा के लिए विद्या का अहम रखा था। अन्नदान की अपेक्षा ज्ञान दान और भक्ति दान अधिक ऊंचा है। चैतन्य देव ने इसीलिए चांडाला
चंडालों तक में भक्ति का वितरण किया था। देह का सुख और दुख तो लगा ही है। यहाँ आम खाने के लिए आए हो, आम खा जाओ। आवश्यकता ज्ञान और भक्ति की है। ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु। क्या स्वाधीन इच्छा फ्री विल है? श्री रामकृष्ण का सिद्धांत। सब कुछ वे ही कर रहे हैं। अगर यह कहो कि सब कुछ उनके मत्थे मढ़कर, फिर तो मनुष्य खूब पाप कर सकता है, तो यह ठीक नहीं होगा। क्योंकि जिसने यह समझा है कि ईश्वर ही करता है और जीव अकर्ता, उसका पैर कभी बेताल नहीं पड़ सकता। इंग्लिश मैन जिसे स्वाधीन इच्छा फ्री विल कहते हैं, वह उन्होंने दे रखी है। जिन लोगों ने उन्हें नहीं पाया, उनमें अगर इस स्वाधीन इच्छा का बोध न होता तो उनसे पाप की वृद्धि हो सकती थी। अपने दोषों से मैं पाप कर रहा हूँ, यह ज्ञान अगर उन्होंने न दिया होता तो पाप की और भी वृद्धि होती। जिन्होंने उन्हें पा लिया है, वे जानते हैं स्वाधीन इच्छा नाम मात्र की है। वास्तव में वे ही यंत्री हैं। मैं केवल यंत्र हूँ, वे इंजीनियर हैं, मैं गाड़ी। भाग दो। दिन का पिछला पहर है, 4 बजे का समय होगा। पंचवटी वाले कमरे में श्री युतराखाल तथा और भी दो एक भक्त मणि का कीर्तन सुन रहे हैं। गाना सुनकर राखाल को भावावेश हो गया है। कुछ देर बाद श्री राम कृष्ण पंचवटी में आए। उनके साथ बाबूराम और हरीश है। राखाल, इन्होंने कीर्तन सुनाकर हम लोगों को खूब प्रसन्न किया। श्री राम कृष्ण भावावेश में गा रहे हैं, हे सखी, कृष्ण का नाम सुनकर मेरे जी में जी आ गया। श्री राम कृष्ण ने कहा, यही सब गाना चाहिए। सब सखी मिली बैठला। फिर कहा, बात यही है कि भक्ति और भक्तों को लेकर रहना चाहिए। श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर यशोदा राधिका के पास गई थी। राधिका उसमें ध्यान में थी। फिर उन्होंने यशोदा से कहा, मैं आदि शक्ति हूँ, तुम मुझसे वर याचना करो। यशोदा ने कहा, वर और क्या दोगी? यही कहो जिससे मन वचन और कर्मों से उनकी सेवा कर सकूं। इन्हीं आँखों से उनके भक्तों के दर्शन हों, इस मन से उनका ध्यान और उनका चिंतन हो, और वाणी से उनके नाम और गुणों का कीर्तन हो। परंतु जिनकी भक्ति दृढ़ हो गई है, उनके लिए भक्तों का संग न होने पर भी कुछ हर्ज नहीं है। कभी कभी तो भक्तों से विरक्ति भी हो जाती है, परंतु चिकनी दीवार पर से चूनाकारी धस जाती है। अर्थात वे जिनके अंतर बाहर सर्वत्र हैं, उन्हीं की यह अवस्था है। श्री राम कृष्ण झाऊ तल्ले से लौटकर पंचवटी के नीचे मणि से फिर कह रहे हैं, तुम्हारी आवाज स्त्रियों जैसी है, तुम इस तरह के गानों का अभ्यास कर सकते हो। भावार्थ, सखी, वह वन कितनी दूर है जहाँ मेरे श्याम सुंदर हैं। बाबूराम की ओर देखकर मणि से, देखो जो अपने आदमी हैं वे प्राय हो जाते हैं। रामलाल तथा और सब लोग अब जैसे कोई
दूसरे हों। फिर जो लोग दूसरे हैं वे अपने हो जाते हैं। देखो ने बाबूराम से कहता हूँ, जंगल जा, हाथ मुंह धो, अब तो भक्ति अपने आत्मीय हैं। मणि, जी हाँ, चित्त शक्ति और चिदात्मा। श्री राम कृष्ण पंचवटी की ओर देखकर, इस पंचवटी में मैं बैठता था, ऐसा भी समय आया कि मुझे उन्माद हो गया, वह समय भी बीत गया। काल ही ब्रह्म है, जो काल के साथ रमण करती है वही काली है। आद्याशक्ति अटल को टाल देती है। यह कहकर श्री राम कृष्ण गाने लगे। भावार्थ, तुम्हारा भाव क्या है यह सोचते हुए यहाँ तो प्राण ही निकलने पर आ गए। जिनके नाम से काल भी दूर हट जाता है, जिनके पैरों के नीचे महाकाल पड़े हुए हैं, उनका स्वरूप काला क्यों हुआ? श्री राम कृष्ण, आज शनिवार है, आज काली मंदिर जाना। बकुल के पेड़ के नीचे आकर श्री राम कृष्ण मणि से कह रहे हैं, चिदात्मा और चित्त शक्ति। चिदात्मा पुरुष हैं और चित्त शक्ति प्रकृति। चिदात्मा श्री कृष्ण हैं और चित्त शक्ति श्री राधा। भक्तगण उसी चित्त शक्ति के एक एक स्वरूप हैं। वे सखी भाव या दास भाव को लेकर रहेंगे, यही असली बात है। संध्या हो जाने पर श्री राम कृष्ण काली मंदिर गए, मणि माता का स्मरण कर रहे हैं। यह देखकर श्री राम कृष्ण प्रसन्न हुए। सब देवालयों में आरती हो गई। श्री राम कृष्ण अपने कमरे में तख्त पर बैठे हुए माता का स्मरण कर रहे हैं। जमीन पर सिर्फ मणि बैठे हैं। श्री राम कृष्ण समाधिस्थ हो गए हैं। कुछ देर बाद वे समाधि से उतरने लगे, परंतु फिर भी अभी भावपूर्ण मात्रा में हैं। श्री राम कृष्ण माँ से बातचीत कर रहे हैं। जैसे जैसे छोटा बच्चा माँ से दुलार करते हुए बातचीत करता है, माँ से करुणा स्वर में कह रहे हैं, माँ क्यों तूने वह रूप नहीं दिखाया, वही भुवन मोहन रूप, कितना मैंने तुझसे कहा, परंतु कहने से तो सुनेगी काहे को, तू इच्छा मई हो। श्री राम कृष्ण ने माँ से ऐसे स्वर में ये बातें कही कि जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल कर पानी हो जाए। श्री राम कृष्ण फिर माँ से बातचीत कर रहे हैं। माँ, विश्वास चाहिए, यह साला तर्क विचार दूर हो जाए, उसका भरोसा क्या, वह तो जरा सी बात से बदल जाता है। विश्वास चाहिए, गुरु वाक्य में विश्वास, बालक जैसा विश्वास। माँ ने कहा वहाँ भूत है, तो उसने ठीक समझ रखा है कि वहाँ भूत है। माँ ने कहा वहाँ होवा है, तो इसी को उसने ठीक समझ रखा है। माँ ने कहा वह तेरा दादा है, तो समझ लिया कि बस 16 हूँ, आने दादा है, विश्वास चाहिए। परंतु माँ, उन्हीं का क्या दोष है, वे क्या करेंगे, विचार एक बार तो कर लेना चाहिए। देखो ने अभी उस दिन इतना समझा कर कहा, परंतु कुछ नहीं हुआ आज बिल्कुल। श्री राम कृष्ण माँ के पास करुणा पूर्वक गदगद स्वर से रोते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या आश्चर्य है, भक्तों के लिए माँ के पास रो रहे हैं। माँ, तुम्हारे पास जो लोग आते हैं उनका मनोरथ पूर्ण करो। सब त्याग न करना माँ,
अच्छा अंत में जैसा तुम्हें समझे पड़े करना। माँ संसार में अगर रखना तो एक बार दर्शन दे देना, नहीं तो कैसे रहेंगे। एक एक बार दर्शन दिए बिना उत्साह कैसे होगा माँ। इसके बाद अंत में चाहे जो करना। श्री राम कृष्ण अब भी भावावेश में हैं, उसी अवस्था में एकाएक मणि से कह रहे हैं, देखो तुमने जो कुछ विचार किया वह बहुत हो गया, अब बस करो। कहो अब तो विचार नहीं करोगे। मणि हाथ जोड़ कर कह रहे हैं, जी नहीं अब नहीं करूँगा। श्री राम कृष्ण बहुत हो चुका, तुम्हारे आते ही तो मैंने तुम्हें बतला दिया था तुम्हारा आध्यात्मिक ध्येय, मैं ये सब तो जानता हूँ। मणि हाथ जोड़कर जी हाँ। श्री राम कृष्ण तुम्हारा ध्येय तुम कौन हो, तुम्हारा अंदर और बाहर, तुम्हारी पहले की बातें, आगे तुम्हारा क्या होगा, यह सब मैं तो जानता हूँ। मणि हाथ जोड़े हुए जी हाँ। श्री राम कृष्ण तुम्हारे लड़के हुए हैं, सुनकर तुम्हें फटकारा था, अब जाकर घर में रहो, उन्हें दिखाना कि तुम उनके अपने आदमी हो, परंतु भीतर से समझे रहना तुम भी उनके अपने नहीं हो और वे भी तुम्हारे अपने नहीं। मणि चुपचाप बैठे हैं। श्री राम कृष्ण फिर कहने लगे, अपने पिता को संतुष्ट रखना, अब उड़ना सीखा है तो भी उनसे प्रेम रखना। तुम अपने पिता को साष्टांग प्रणाम कर सकोगे न। मणि हाथ जोड़े हुए जी हाँ। श्री राम कृष्ण तुम्हें और क्या कहूँ, तुम तो सब जानते हो, सब समझ गए हो। मणि चुपचाप बैठे हैं। श्री राम कृष्ण सब कुछ समझ गए हो न। मणि जी हाँ कुछ कुछ समझा हूँ। श्री राम कृष्ण नहीं, तुम्हारी समझ में बहुत कुछ आता है, राखाल यहाँ है, इससे उसके पिता को संतोष है। मणि हाथ जोड़े चुपचाप बैठे हैं। श्री राम कृष्ण फिर कह रहे हैं, तुम जो कुछ सोच रहे हो वह भी हो जाएगा। श्री राम कृष्ण अब अपनी साधारण दिशा में आ गए हैं। कमरे में राखाल और रामलाल बैठे हैं। रामलाल से उन्होंने गाने के लिए कहा, रामलाल ने दो गाने गाए, श्री राम कृष्ण माँ और जननी, जो संसार के रूप में सर्वव्यापिनी हैं वे माँ हैं, और जो जन्म स्थान हैं वे जननी। माँ कहते ही मुझे समाधि हो जाती थी, माँ कहते हुए मानो जग जननी को आकर्षित कर लेता था, जैसे धीवर जाल फेंकते हैं फिर बड़ी देर बाद जाल खींचते रहते हैं फिर उसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ आ जाती हैं। गौरी पंडित का कथन काली और श्री गौरांग एक हैं। गौरी ने कहा था, काली और श्री गौरांग को एक समझने पर ज्ञान पक्का होगा, जो ब्रह्म है वही शक्ति काली है, वही नर के स्वरूप में श्री गौरांग हैं। श्री राम कृष्ण की आज्ञा पाकर रामलाल ने फिर गाना शुरू किया। गाना समाप्त होने पर श्री राम कृष्ण ने मणि से कहा, जो नित्य हैं उन्हीं की लीला है, भक्तों के लिए उन्हें जब नर रूप में देख लेंगे तभी तो भक्त उन्हें प्यार कर सकेंगे, तभी तो उन्हें भाई बहन माँ बाप और संतान की तरह प्यार कर सकेंगे। वे भक्तों की प्रीति के कारण छोटे होकर लीला करने के लिए आते हैं। मैं इस वीडियो को यहीं पर संपूर्ण करके विराम देता हूँ। अगला वीडियो 28वां नंबर परिच्छेद 75 ईश्वर दर्शन के लिए व्याकुलता से हम शुरू करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों।
नमस्कार, नमस्ते।